हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है। भगवद गीता का सुंदर पाठ चल रहा है, अध्याय नंबर 7 शुरू हो चुका है, जिसका शीर्षक है भगवद ज्ञान। श्री कृष्ण हमें ऐसा दिव्य ज्ञान दे रहे हैं जो हमें कहीं और से सीखने को नहीं मिलता। हमें अपने पूरे जीवन में किस मार्ग पर चलना है, किस सिचुएशन में कैसा डिसीजन हमने लेना है, ये सब हमें श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने हमें कल बताया अध्याय 7 के शुरुआत में कि भगवान को कौन जान सकता है और कैसे जान सकता है। मन को पूर्ण रूप से कृष्ण में लगाकर, कृष्ण में ही आसक्ति लगाकर कृष्ण को हम जान सकते हैं, अन्यथा कोई यूं ही व्यक्ति कृष्ण को नहीं जान सकता। उनका भक्त होना पड़ेगा, उनका मित्र होना पड़ेगा अगर हमें श्री कृष्ण के बारे में जानना है। अन्यथा कोई कटाक्ष करता रहे उससे कोई महत्ता नहीं होती। कोई कटाक्ष करेगा इसका मतलब वह कृष्ण को नहीं जानता। जब वह जानता ही नहीं तो उसके कुछ बोलने का तात्पर्य ही क्या है। उनका भक्त और मित्र होना पड़ेगा अगर कृष्ण को जानना है, तब श्री कृष्ण हमारे ऊपर कृपा करते हैं कि हम उनको जान पाए, उनकी भक्ति कर पाए। उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अब तुम्हें सारा ज्ञान दूंगा, व्यवहारिक ज्ञान और दिव्य ज्ञान। उस ज्ञान को जानने के बाद इस दुनिया में कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती, मतलब संपूर्ण ज्ञान उसके अंदर निहित हो जाएगा। तो अब श्री कृष्ण अपना ज्ञान शुरू कर रहे हैं, उससे पहले हम भगवान की वंदना करते हैं। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं, श्लोक नंबर 3 अध्याय 7 का। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यत्तामापि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्त्वतः। हरे कृष्णा। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं हमें कि इतने सारे लोग पूजा करते हैं, बहुत दुनिया करती है पूजा, लेकिन उसमें सिद्धि प्राप्त कौन करता है? इतने लोगों में से कोई एक व्यक्ति ही कृष्ण को जान पाता है। हजारों व्यक्तियों में से, भगवान कह रहे हैं, हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह कोई एक ही मुझे वास्तव में जान पाता है। बाकी लोग क्या करते हैं? आजकल ज्यादातर लोगों का ये भाव होता है कहने का कि हम तो बस खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं, किसी का दिल ना दुखाओ, बस हो गया, इससे आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। मतलब बस किसी का दिल नहीं दुखाना, बाकी सब ओके है। बाकी आप जो मर्जी करें, मीट खाएं, कुछ भी खाएं, मदिरा पिएं, गलत काम करें, बस दिल नहीं दुखाना किसी का, इतना देखना है। और उससे अलग कुछ और लोग इतना भी नहीं करते, वो तो सब कुछ बिल्कुल इग्नोरेंस में है, सब कुछ गलत कार्य करते रहते हैं। और कुछ लोग मतलब कोई गलत कार्य नहीं करते, बस इतना सोच लेते हैं कि हमें तो बस किसी का दिल नहीं दुखाना, बाकी सब ओके है, मतलब कोई और गलत कार्य नहीं करना, पर भक्ति नहीं वो कर रहे, तो वहां पर भक्ति रह जाती है। तो भगवान कहते हैं कि इतने सारे लोगों में से कोई एक विरला ही होता है जो सिद्धि प्राप्त करके मुझे जान पाता है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अब हम इसको पूरा एक्सप्लेन अगर करें तो दुनिया में जितने लोग हैं, कुछ लोगों को क्या चाहिए? धन चाहिए, कि मुझे धन मिल जाए, बस धन मिल गया तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, धन मिल गया तो मैं दान कर पाऊंगा, अगर मेरे पास धन ही नहीं होगा मैं दान कहां से करूंगा। मतलब धन मांगने का एक तरीका है, भगवान से धन कैसे मांगा जाए, दान के बहाने कि मैं दान करूंगा, प्रभु सेवा करूंगा, हालांकि वो करे ना करे वो बात की बात है। तो धन मिल जाए, भगवान कहते हैं हाँ ठीक है मैं धन दे दूंगा तुम्हें। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे प्रसिद्धि चाहिए, फॉलोवर्स चाहिए, लोग मेरा अनुसरण करें, मेरी ईगो को अच्छा लगे, तो प्रसिद्धि, भगवान कहते हैं ठीक है प्रसिद्धि दे देंगे, फॉलोवर्स दे देते हैं आपको, इंस्टाग्राम फॉलोवर्स, फेसबुक फॉलोवर्स या कुछ और। तो कुछ लोग कहते हैं ओपोजिट जेंडर चाहिए, हूर की परी चाहिए या अच्छा हस्बैंड चाहिए, सुंदर दिखने वाला।
भगवान कहते हैं ठीक है, दे देते हैं आपको, ये भी दे देते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो सिद्धि चाहिए कि मैं कोई जादू कर सकूं, किसी को ठीक कर सकूं जादू से, या कुछ और कुछ भी प्रकट कर दूं, सिद्धि चाहिए मुझे भगवान। भगवान कहते हैं ठीक है, ले लो सिद्धि ले लो। लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं हमें तो ये सब करना ही नहीं भैया, हम तो ये स्वार्थ में है ही नहीं, हम तो भोग कर करके थक चुके हैं, हमें नहीं, अब हमें त्याग करना है, मुझे तो मोक्ष चाहिए, सब भोगों का त्याग, मोक्ष चाहिए। भगवान कहते हैं ठीक है ले लो, मोक्ष कौन सा बड़ी बात है, मोक्ष दे देते हैं आपको। कोई विरला ही होता है जो इन सब चीजों को नहीं चाहता, मोक्ष को भी नहीं चाहता। वो कहता है कि प्रभु मुझे तो आपकी भक्ति चाहिए। आप स्वयं से देखिए, अपने इर्द गिर्द देखिए, क्या आप भगवान के मंदिर जाकर कभी भगवान से ये मांगते हैं कि हे प्रभु मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए। अगर आप कोई कर्म करते हैं भगवान के लिए, पूजा करते हैं, शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हैं, तो क्या आप शिव जी से ये मांगते हैं कि हे शिव जी महाराज, हे देवों के देव महादेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए भौतिक पदार्थ, मुझे सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए। क्या आप शिव जी से ऐसी प्रार्थना करते हैं? सोच कर देखिए, इतने सारे उपाय आप YouTube पर TV में देखते हैं, शिव जी की ये आराधना करने से ये मिल जाएगा, वो आराधना करने से ये मिल जाएगा, लेकिन क्या आपने कभी वो उपाय भक्ति के लिए किए? क्या आपने कभी ढूंढा कि भक्ति प्राप्त मुझे हो जाए इसके लिए कौन सा उपाय करना है? क्या आपने कभी ऐसा ढूंढा? नहीं ढूंढा। तो वही श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई विरला ही होता है इतने हजार लोगों में से जो भक्ति मांगता है, सिद्धि मांगता है भक्ति के लिए, जादू टोने वाली सिद्धि नहीं, भक्ति वाली सिद्धि, कि मुझे भक्ति चाहिए। सिर्फ एक भक्ति ही ऐसी है जिसमें निस्वार्थ सेवा होती है, बाकी सब स्वार्थ से पूर्ण होते हैं। कैसे होते हैं? धन चाहिए, अपने लिए चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, अपने लिए चाहिए, ईगो सेटिस्फाई करनी है मुझे अपनी, ओपोजिट जेंडर चाहिए खुद की सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कि मेरी इंद्रियां तुष्ट हो, उसके बाद सिद्धि प्राप्त करनी है कि हाँ मेरे पास लोगों का हजूम लग जाएगा, मैं उसकी ये ठीक कर दूंगा, वो ठीक कर दूंगा, जादू टोने से मैं कुछ कर दूंगा, सिद्धि चाहिए वो खुद के लिए चाहिए, मोक्ष चाहिए वो भी खुद के लिए चाहिए कि मैं इन सब भोगों को त्याग कर कर इन दुखों से बच जाऊं जो मिलते हैं। यानी कि मोक्ष तक का पथ जो होता है वो सब इंसान खुद के लिए चाहता है। सिर्फ एक भक्ति ही ऐसी होती है जो सेवा के लिए होती है, बिना किसी स्वार्थ के, वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा। अगर आप शिव जी को मानते हैं तो शिव जी की सेवा, अगर आप किसी को भी मानते हैं उनकी सेवा। आप किसी की भी भक्ति कर सकते हैं, श्री कृष्ण के ही सभी विस्तृत रूप हैं, तो किसी की भी आप भक्ति कर सकते हैं, लेकिन फिर भी भगवान का जो परम पुरुषोत्तम रूप है, सच्चिदानंदमय रूप है, वो श्री कृष्ण के रूप में ही है वो, तो आप फिर भी आप भक्ति किसी की भी कर सकते हैं अगर आप भक्ति चाहते हैं तो, क्योंकि भक्ति स्वार्थ से रहित होती है, सिर्फ उसके अंदर सेवा होती है। तो यही श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं, हजारों मनुष्यों में से कोई व्यक्ति एक ही होगा जो भक्ति मांगेगा, और वही मुझे सिर्फ जान सकता है, दूसरे लोग नहीं। अब आप यहीं से उदाहरण ले लीजिए, जो आप ये पाठ सुन रहे हैं, क्या आपको ये पूरा समझ में आ रहा है? आप ये सोच कर देखिए, अगर तो आप भगवान से भक्ति मांगते हैं, स्वयं श्री कृष्ण को मांगते हैं, तब आप इस पाठ को समझ पा रहे होंगे। अपने मन से पूछ के देखिए कि आपके अंदर भक्ति है या नहीं है। अगर आपके अंदर भक्ति नहीं होगी, श्री कृष्ण को नहीं मांग रहे होंगे, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये पाठ सुनने से हमारे भौतिक कष्ट कट जाएंगे, या कोई भौतिक लाभ हो जाएगा, कोई जादू टोना हो जाएगा, कोई भगवान आशीर्वाद दे देंगे कि हाँ तुमने मेरी भगवद गीता सुनी, ठीक है जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें वो फल दे देता हूँ, तब आप इस पाठ को समझ नहीं पाएंगे। ये श्लोक कहने का भगवान का यही तात्पर्य है। अगर आप समर्पण कर देते हैं भगवान पर कि हे प्रभु मुझे आप चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई फल नहीं चाहिए, कोई भौतिक पदार्थ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, तब देखना आप चमत्कार, आप इस पाठ को बिना कहे ही समझने लगेंगे। आपको पता चलने लग जाएगा कि अब ये लाइन आने वाली है, हरे कृष्णा। सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।